आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जो पुरुष भाइयों को अवश्य खानी चाहिए ये दो चीज़ें खाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको खाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा पता है आपकी इस पर मोर्टिलिटी यानी बहुत से पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है और इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्म्स कम हो जाती है अब शादी हो जाती है लेकिन इन गुप्त बातों को ना तो वो अपनी पत्नी के साथ शेयर कर पाते हैं ना ही किसी को बता पाते हैं उनको लगता है कि इससे उनकी बैलू डाउन हो जाएगी ठीक है तो कई ऐसे पुरुष भाई हैं जो इस चीज़ को लेकर मन में कुंठा लेकर बैठे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस कुंठा से निकलने निकलना चाह रहे हैं तो मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ना मैं कोई आपको दवाई रिकमेंड कर रहा हूँ ना कोई गोली ना कोई इंजेक्शन केवल दो चीज़ें लानी है देखिए सबसे पहली चीज़ तो होती है अश्वगंधा इससे ये फ़ायदा होता है देखिए इन चीज़ों को खाने से एक तो जो आपकी पौरुष शक्ति है अब पौरुष शक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी बेड पर टाइमिंग कम है आपके शीघ्र पतन की बीमारी है स्वप्न दोष की बीमारी है और आपका कोई तनाव की बीमारी है समझ रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंटरनल होती हैं पुरुष भाइयों के और ये बीमारी ऐसी होती हैं एक दूसरे के साथ लोग शेयर भी नहीं करते तो सबसे पहली चीज़ अश्वगंधा का सेवन अवश्य करें अश्वगंधा ये जो चीज़ बनी है पुरुष भाइयों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए बनी है अब ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं जैसे अश्वगंधा हुआ सताबर हुआ सलाजीत हुआ ठीक है और दो तीन चीज़ें और होती हैं उनका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको फ़िलहाल ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड होती हैं इन चीज़ों के लिए तो मैं इन चीज़ों में भी आपको एक चीज़ खाने के लिए बोलूँगा जो आपके लिए सबसे जल्दी फास्ट रिजल्ट देगा वो होता है आपके लिए अश्वगंधा देखिए अश्वगंधा खाने का सिर्फ ये नहीं कि आप इसी चीज़ के लिए अश्वगंधा खा रहे हैं इससे बहुत से पुरुष भाइयों में दिमागी शक्ति बढ़ेगी और जो शारीरिक कमजोरी होती है इस्टेमिना होता है अश्वगंधा से आपके शरीर में कई बीमारियों का इलाज होता है अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है इसलिए आप ये जो पहाड़ी क्षेत्र की जड़ी बूटी होती है इनको अवश्य सेवन करें इसलिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अश्वगंधा का चूर्ण का इस्तेमाल करें रोजाना रात को एक चम्मच पाउडर एक गिलास गर्म दूध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ध्यान रखिए अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें इस बारे में क्योंकि क्योंकि ये सेक्सुअल उत्तेजना जब शरीर में बढ़ाता है नेचुरल पावर बढ़ाता है तो हो सकता है कि ये बीपी वालों के लिए थोड़ा सा इसका साइड इफ़ेक्ट दिखे इसलिए हाई बीपी वाले पेशेंट अपने आप से नहीं लें डॉक्टर से पूछ के जब इस चीज़ को चालू करें बाकी का अगर आप स्वस्थ हैं और आपको सिर्फ ये बीमारी है सारी की सारी तो फिर आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अश्वगंधा चूरण का इस्तेमाल अवश्य करें अब आप रोज़ाना दाल खाते हैं और दाल में भी आपका कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोगों को ऐसी कौन सी दाल है जो हमारी पौर शक्ति को भी इम्प्रूव करे और साथ ही साथ हमारे अंदर सारे पोषण भी पहुंच जाएं और हमारे हर अंग को वो चीज़ लगे तो वो दाल मैं रिकमेंड करूंगा मसूर की दाल देखिए छिलके वाली मसूर की दाल का सेवन आप अवश्य करें दोस्तों छिलके वाली मसूर की दाल करने से ये फ़ायदा होता है कि जो स्पर्म मोटिलिटी की समस्या आपको देखने को मिलती है यानी काउंट कम है या क्वालिटी कम है स्पर्म की तो उस चीज़ से भी आपको राहत मिलती है आपको कम से कम दिन में एक बार तो इस दाल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए जब आप इस दौर से गुजर रहे हैं इस बीमारी से गुज़र रहे हैं तो लगातार मैं आपको खाने के लिए बोलूँगा ये दाल रोजाना इस्तेमाल करनी है छिलके वाली मसूर की दाल आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी कमजोरी जो भी ये गुप्त बीमारियाँ होती हैं ठीक है और इस परम की जो काउंटिंग है जिस वजह से आप शादी के बाद पिता बनने का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको ये दो चीज़ें खाने के लिए अवश्य बोलूँगा अश्वगंधा और मसूर की दाल मेरे कहने से इनको लगातार सेवन करिए अश्वगंधा को कम से कम चार या पाँच महीने तक लगातार सेवन करिए आपको आज आप देख लेना और आज के चार महीने बाद अपने आप को देख लेना आप बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा और इस दाल का भी सेवन अवश्य करना दोस्तों इसलिए कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमको ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारी कमजोरी शारीरिक कमजोरी जो कि हस्त से हुई है या फिर कई चीज़ों से हुई है खान पान से हुई है या फिर आप स्वप्न दोस्त की शिकार हैं या मतलब बहुत सी पुरुषों में बीमारियां होती हैं जिस वजह से उनका शरीर टूटा टूटा सा रहता है वो शक्ति नहीं है वो ऊर्जा नहीं है तो इसलिए इस ऊर्जा को दोबारा से पाने के लिए आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य करिए और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कई चीज़ें और भी रिकमेंड करता रहूँगा इसलिए जो भाई बहन अब इस वीडियो को फ़िलहाल देख रहे हैं वो दो चीज़ें आज से खाना स्टार्ट कर दीजिए आपको बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है और कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाई बी वाले थोड़ा सावधान रहें धन्यवाद